आज की वीडियो में हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले हमने वोकैब की सीरीज पूरी कर ली ए टू जेड से, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में चलेंगे। देखो वन वर्ड में दिक्कत क्या आती है यार, जो नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं उसमें चार कोई ऑप्शन होते हैं, आपका कोई मार्क करना होता है। वन वर्ड में भी चार ऑप्शन होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा होता है कि चारों के चारों ऑप्शन ही आपको लगेंगे ये आंसर है। मतलब अगर आप बोलेंगे ना चारों वर्डों का मीनिंग निकालेंगे तो आपका कोई एक ही है, और आप गलत वाला मार्क करके आते हो, पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, और नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भाई सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को समझो कि हमें वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए एग्जैक्टली वाला। अब देखो सबसे पहला है अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, वो इंसान जिसके पास डेट मतलब कर्जा, कर्जे के पैसे से देने के ना हो, ठीक है। पहला है ए इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होता है किसी का दिवालिया निकल जाना। दिवालिया निकल जाना मतलब भाई दिवाली मनाना नहीं है, समझो से इंस्टॉलमेंट का मतलब। मान लो आप बैंक से पैसा लिया आपने, ठीक है, आप बैंक को वापस नहीं कर पाए, आपने कोई बैंक ने फिर क्या करता आपकी प्रॉपर्टी जो है अपने कब्जे में ले लेता, आपके घर के बाहर सील मार देता, देखा सब ऐसे ताला मार देता, सील कर देता है कि ये प्रॉपर्टी बैंक, उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। विजय माल्या का दिवालिया निकल गया था, वो इंस्टॉलमेंट हुआ था, ठीक है। पुअर होता है गरीब होना, और पॉपर होता है बहुत ज़्यादा गरीब होना, एक्सट्रीमली पुअर। आपको दोनों में फ़र्क क्या, मैं समझाता हूँ भाई। यार पुअर आपने कहा मैं गरीब हूँ यार, मैं अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा, मैं अपने बच्चों के शौक पूरे नहीं कर पा रहा, महंगा फ़ोन नहीं ला, तो ये कहा गरीब है आपने कहा। पॉपर होता है आपने कहा यार मेरे पास तो तीन टाइम का खाना खाने के पैसे नहीं है, मुश्किल से एक दिन में एक टाइम भी बड़ी मुश्किल से खा पाता, परिवार भूखा मर रहा है, सड़कों पर सो रहे हैं, रेलवे पार फुटपाथ पर लेटे हुए हैं, ऐसी हालत हो रही, कपड़े फटे फुन पहनते हैं, उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा। बात समझ आ गई नहीं, ठीक है। डेस्टिट्यूट होता भाई बेसहारा है ना, बेसहारा या फिर बेचारा। आजकल राजकुंद्रा साहब देखो बेसहारा बेचारा बन के घूम रहे भाई, इसलिए कहते हैं मेरे भाई उल्टे कामों को उल्टा नतीजा, खाली पैसा नहीं कमाना इज्जत के साथ पैसा कमाना है ना, तो बेसहारा होता है। आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके दोस्त यार कहते हैं यार बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो डेस्टिट्यूट का कहीं से भी पैसों से मतलब नहीं होता। बात समझ आती नहीं आई तो आया चौ, तो कौन सा ऑप्शन सबसे एग्जैक्ट है, पहला ऑप्शन यानी इंस्टॉलमेंट याद रहेगा, ठीक है। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट, गैम्बल और बैट मतलब सट्टेबाजी करना, आईपीएल में सट्टेबाजी लगाना, ड्रीम इलेवन में सट्टेबाजी लगाना, क्रिकेट में पैसा लगाना, हर जगह पैसे लगाना, उससे क्या कहते हैं गैम्बलर, ठीक है। अब ऑप्शन तो है नहीं गैम्बलर, ठीक है। सबसे पहले आप सुनो पंटर, पंटर होता है जो भाई सट्टेबाजी करता है, एग्जैक्ट वर्ड है वो। तुम्हें ये पिक्चर देखी तुमने इमरान हाशमी की जन्नत, वहाँ सट्टेबाजी का काम करता है, ठीक है ना, पैसा लगाता लास्ट में मर जाता है, तो उसे कहते हैं पंटर। तो ऑप्शन तो खैर आंसर पंटर ही, आगे देखते हैं। बैकर, बैकर मतलब यार आपके पीछे बैकअप होना, यार मान लो मेरी कंपनी है, मैंने आपसे कहा तू कर यार मैं देख लूँ मेरा बैकअप है, मैं आप तेरे पीछे पैसा लगा दूँगा, तो बैकर मतलब होता है कि आपके पीछे कोई बैकअप है, किसी पैसे का बैकअप है, फाइनेंशियल बैकअप है, मोरल बैकअप है, इमोशनल बैकअप है, उसे कहते हैं बैकर, कि पीछे से सपोर्ट होना या बैकअप होना। फिर सी और डी है कस्टमर क्लाइंट। अब कस्टमर और क्लाइंट में फ़र्क समझो यार, कस्टमर होता है वो इंसान जो कोई चीज़ खरीदता है, मैं दुकान शॉपकीपर के कस्टमर होते हैं, पर डॉक्टर लॉयर के कस्टमर नहीं होते, डॉक्टर लॉयर के क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट थोड़ा प्रोफेशनल टर्म है बेटा, प्रोफेशनल टर्म है, प्रोफेशनल टर्म है क्लाइंट। डॉक्टर के क्लाइंट होते हैं, लॉयर से क्लाइंट होते हैं, कस्टमर क्या सब्जी वाले के भी कस्टमर होते हैं, तो सब्जी वाले क्लाइंट नहीं होते, तो बात समझ आई। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, पंटर। नेक्स्ट है Able to use left and right hand equally well. वो इंसान जो देखो इस तरह से लिखे कुछ, मान लो यार ऐसे लिखने भी लिखता भी रहे, ऐसे दोनों हाथों से लिखे, वायरस पिक्चर था वायरस में, वो थ्री इडियट्स में बमन नहीं बनानी, दोनों हाथों से लिखता था ना, कुछ लोग होते दोनों हाथों से, कम बहुत कम लोग होते हैं। अब आप मत कहना मैं भी लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं कहते, प्रॉपर अच्छे से इस्तेमाल करना, उसे क्या कहते हैं आप ambidextrous। तो इसका आंसर क्या है ambidextrous, और वर्डों क्या मीनिंग है ambitious। यार एम्बिशियस होता है आपके ख्वाब के, आपके सपने का, आपने कहा मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मेरा मन करता है कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लूँ, बड़े बड़े मकान घूमूँ, बहुत बड़ा इंसान बनूँ, उसे कहते हैं आप एम्बिशियस, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट होता है जो इंसान इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट ही, मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट होता है जो अपनी फीलिंग्स को मन में दबाता है, दिल में दबा के रखता है, एक्सट्रोवर्ट अपनी फीलिंग को ओपनली बोलता है। यार सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत इंट्रोवर्ट थे, अपनी बातों को दिल में रखते थे। कंगना रनावत एक्स्ट्रोवर्ट है, कभी बुलवा लो कुछ, बस बात का मौका मिलना चाहिए। बात समझ आई।
नेक्स्ट है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट होता है जिसके पास मिक्स्ड फीलिंग हो, कि आपको पता ना हो कि ना बुरा बोलो ना अच्छा बोलो। आप जैसे सलमान खान साहब को ले लो, आपने कहा यार सलमान खान बुरा आदमी है, गाड़ी वाड़ी चढ़ा देता है, दारू पी के ड्रामे करता है, मीडिया वाले से पंगे लेता है। फिर आपने कहा पर ये बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट भी चलाता है, लोगों की मदद भी करता है, लोगों का दुख भी समझता है। तो अब आप उसके बारे में कन्फ्यूज से कहते हैं एम्बीवेलेंट, यानी हैविंग मिक्स्ड फीलिंग। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ शिप्स। अब देखो नंबर ऑफ शिप जब एक जगह कलेक्ट इकट्ठी हो जाए उसे क्या कहते हैं? फ्लीट। खाली शिप्स के लिए होता है इस्तेमाल, और किसी के लिए नहीं। ग्रुप होता है समूह, यार आप तीन दोस्तों का समूह है, सपोज आपके तीन तिगाड़ा गैंग है, तीन दोस्तों का समूह, उसे आप कहते हैं ग्रुप। आपका स्कूल में ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई मर्जी ग्रुप है मेरे भाई, उसे कहेंगे ग्रुप। अब दो वर्ड है भाई, कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी। गैलेक्सी कॉन्स्टेलेशन होता है डेफिनिट कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डेफिनिट फिक्स कलेक्शन होता है स्टार का। आपने कभी उसका नाम सुना, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, ओरियन, सारे के सारे कॉन्स्टेलेशन है। गैलेक्सी में स्टार भी आते हैं, डस्ट पार्टिकल भी आते हैं, और सारी चीज़ें गैलेक्सी पूरी पार्ट है। हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे, जिसे आप कहते हैं आकाश गंगा। बात समझ आई नहीं? तो इसका आंसर क्या? फ्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। चलो, वन हु हेट्स वुमेन, जो औरत जाति से औरतों से नफरत करता हो उसे क्या कहते हैं? देखो, एसेटिक होता है मेरे भाई सन्यासी। अब मैं आपको बताऊं, ये मत सोचना कि किसी ने संन्यास ले लिया औरतों से नफरत, वो नफरत नहीं करते, बस वो अकेले रहते हैं, लोनली रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तन्हा रहते हैं, उसे कहते हैं हम सन्यासी। बात ठीक है, नफरत की बात नहीं हुई यहाँ पे, हेट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से बहुत प्यार करे। मैंने बार बार एग्जाम्पल बताया, रतन टाटा सर बहुत लोगों के लिए भलाई करते हैं। नेक्स्ट दो वर्ड है मीसोगैमी और मीसो। मीसो मतलब होता है हेटर, मीसो मतलब हेटर, गैमी होता है मैरिज। यार पॉलीगैमी पड़ा एक से ज्यादा शादी, तो गैमी क्या? मैरिज। तो मीसी गैमी वो होता है हेटर ऑफ मैरिज, ठीक है। और मीसो गायनी होता है हेटर ऑफ वुमेन। तो कौन सा आया हमारा सब? मीसो गायनी आ रहा है वर्ड एग्जाम, सब सारे वर्ड समझ आ रहे हैं अच्छे से? हाँ लिख लो भाई एक बार इसको फटाफट, या स्क्रीन शॉट ले लो, आगे चलते फिर। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, कि जिसमें चीज़ों का नाम रखा जाए। देखो नोमेन क्लेचर यही होता है यार, जहाँ पे चीज़ों का नाम रखा जाता है। तुम्हें पता होगा ह्यूमेंस को होमो सेपियंस कहते हैं, मैंगो को मैग्निफेरेंडिका कहते हैं, फ्रॉग को राना टिग्रीना कहते हैं, टाइगर को पैंथर टिग्रीस। तो ये सब क्या आते हैं? नोमेन क्लेचर के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मिनी मिनीचर होता है वेरी स्मॉल, कोई चीज़ बहुत कम हो, स्मॉल हो, छोटी हो, उसे क्या कहते हैं? मिनीचर। हॉर्टिकल्चर मेरे भाई गार्डन कल्टिवेशन, कि बगीचे के बारे में स्टडी करना या बगीचा में कुछ भी चीज़ें करना, एक्टिविटीज क्या कहती है? हॉर्टिकल्चर। जेनोसाइड, देखो साइड मतलब होता है हत्या, मैंने आपको बताया था ना इस वीडियो में, साइड मतलब हत्या, जेनोसाइड मतलब नरसंहार, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया था। हिटलर ने यहूदियों का 60 लाख यहूदियों का देखो मर्डर किया था हिटलर ने, तो इसे कहते हैं नरसंहार। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई? कौन सा सही ऑप्शन बोलो? डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है अ टेस्ट इन विच सेल फ्रॉम डिसीज ऑर्गेन्स आर रिमूवर टेस्ट, आपकी बॉडी से सेल्स ली जाते हैं और टेस्ट किए जाते हैं। देखो एम्पुटेशन होता है कोई भी फिजिकल पार्ट काटना, मान लो किसी का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, कई बार आप देखते हो हाथ काटना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? एम्पुटेशन, कि फिजिकली काटना, ठीक है। एक मैंने यहाँ ऑप्शन गलत लिख दिया, यहाँ लिख दो आप ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन आपको पता ही है, अगर ऑपरेशन मतलब कोई भी ऑपरेशन करना, किसी भी दिल का, हार्ट का, किडनी, किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है मेरा बायोप्सी और ऑटोप्सी। अब सुनो, बायोप्सी जो होती है भाई वो डेड बॉडीज पे करी जाती है, नहीं बायोप्सी जो है लिविंग टिश्यूज पे की जाती है। मान लो आप जिंदा हो, आपकी बॉडी से सेल निकाल के टेस्ट करा कि आपकी बॉडी में खून में क्या दिक्कत है, उसे क्या कहेंगे? बायोप्सी। और ऑटोप्सी क्या है? डेड बॉडीज पे की जाती है, जिसे आप कहते हैं चीरफाड़ करना, और देसी भाषा में बता दूं तो आपको पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम, हाँ कि ना? तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? बायोप्सी, ठीक है ना। ऑटोप्सी तो डेड बॉडीज अगर मेंशन करता तो ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है वन हु डस नॉट मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां ना करें। अच्छा सुनो, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, बंदे का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड। मान लो सपोज आपने एक गिलास पानी दे दिया उसको आधा भर के, तो वो क्या कहेगा? ये गिलास आधा भरा हुआ है, तो वो बना ऑप्टिमिस्टिक। अगर दूसरे इंसान को दिया, उसने कहा ये तो गिलास आधा खाली है, तो निराशावादी यानी पैसिमिस्ट। अब आया तो ये तो ऑप्शन नहीं है।
हिपोक्राइट होता है ढोंगी, पाखंडी। आप देखते हो ना कई सारे भाई साहब गुरु वगैरह पकड़े जाते हैं जो पाखंडी होते हैं, छल होते हैं, भक्तों को लूटते हैं ढोंग के नाम पे, सुपरस्टिशन के नाम पे, उसे कहते हैं हिपोक्राइट। इनफेलिबल होते हैं जो कभी गलती ना करें, तो ये तो इसका आंसर ये मेरा, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। नेक्स्ट है वनु कंपाइल से डिक्शनरी, वो इंसान जो डिक्शनरी बनाए। अच्छा सुनो, लेक्सिको लेक्सिकोग्राफर बनाए लेक्सिकन से, और लेक्सिकन का मतलब होता है डिक्शनरी, तो लेक्सिकोग्राफर क्या होगा, जो डिक्शनरी का बनाएगा, तो इसका आंसर तो यही है, ठीक है। और ऑप्शन बात करते हैं, लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट वो बंदा होता है जो प्रीशियस स्टोन को कट करता है, वनु कट्स प्रीशियस स्टोन, पत्थरों को काटता है, उसे कहते हैं लेपिडिस्ट। लिंग्विस्ट होता है वनु नो मैनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट होता है वन हु नोज मैनी फॉरिन लैंग्वेजेस। जगह कम है भाई, समझ जाना ना, वन हु नोज मैनी फॉरिन लैंग्वेजेस। ज्योग्राफी का होता है जो ज्योग्राफी की स्टडी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, लेक्सिकन। नेक्स्ट है प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है मेरे भाई शेल्टर प्रोवाइड करना। अब मैं समझाऊंगा उसको, देखो। अब ये वाला शेल्टर क्या होता है, मान लो आपको गर्मी लग रही है, आप पेड़ के नीचे चले गए, तो आप क्या कहोगे, आई एम अंडर द शेल्टर ऑफ ए ट्री, तो उसे शेल्टर कहते हैं, ठीक है। ये गाड़ियों को रखने के लिए शेल्टर बनाते हैं, हाउस तो घर होता है, कंट्री होता है, कंट्री होता है। असाइलम क्या होता है मेरे भाई, देखो असाइलम पागलखाना नहीं होता, आपको लगे पागलखाना हो, असाइलम होता है। जैसे मान लो मैं सपोज कोई पाकिस्तान से कोई भक्के हमारे यहाँ पे आ जाए इंडिया में, और वो कहे यार मैं पाकिस्तान के राज आपको बताना चाहता हूँ, तो हम इंडिया वाले कहेंगे अच्छी बात है भाई, आओ फिर हमारी कंट्री में रहो, हमने उनको रहने की जगह दे दी ना अपनी कंट्री में, इसे कहते हैं असाइलम। तो हम कह सकते हैं दैट पर्सन वाज गिवन असाइलम बाय इंडियन एम्बेसी। तो बात समझ आई नहीं है बच्चे, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, असाइलम। तो इस वीडियो में बच्चे करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू करते चलेंगे, कम से कम 50 से 60 वीडियोस इस पे आएंगे हमारी, 500 वर्ड्स करेंगे हम इसके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के।